आज हम लोग इस वीडियो में रेडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। रेडबर्ग नियतांक के पहला है आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी तो हम लोग इस रेडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग द्वारा हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु सामान्यतः मूल ऊर्जा स्तर या मूल अवस्था n बराबर 1 में रहता है। तो n बराबर 1 में जो इसकी ऊर्जा होती है E1 by minus RHC upon 1 square होती, तो यह आ जाती है minus RHC। अब इसके बाद जब हाइड्रोजन परमाणु आयनित हो जाता है अर्थात n बराबर अनंत में पहुंच जाता है तो उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु आयनित हो जाता है तो आयनित अवस्था में इसकी ऊर्जा माइनस आर एच सी अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल जीरो हो जाती है। तो इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा बराबर आयनित अवस्था में ऊर्जा माइनस मूल अवस्था में ऊर्जा आर एच सी हो जाएगी। लिया जाएगा आर एच सी के बराबर हो जाएगा। आर एच सी में बाहर का हम लोग रेडबर्ग नियतांक का उपयोग करते हैं 1.097 इंटू 10^7 इंटू एच का मान 6.63 इंटू 10^-34 जूल सेकंड इंटू 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 21.8 इंटू 10^19 जूल। अब इसको यदि हम आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें तो आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी में भाग दे दिया जाता है 20.8 इंटू 10^-19 अपॉन 1.6 इंटू 10^-19 किया जाता 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इस तरह से आयनन विभव अगर कहा जाए तो 13.6 वोल्ट हो जाएगा। आयनन विभव 13.6 वोल्ट हो जाएगा, आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरा जो उपयोग है वह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा है तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। तो हाइड्रोजन परमाणु में हमने देखा विभिन्न श्रेणियों में जो पांच श्रेणियां पाई जाती हैं उनमें से विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के फार्मूले। यदि हम बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी की किसी एका की तरंगदैर्ध्य 1/λ बराबर आर ब्रैकेट में 1/2² - 1/n² से ज्ञात किया जाता है। जहाँ n बराबर 3, 4, 5 डॉट डॉट होता है इनफाइनाइट तक। अब अगर हम प्रथम रेखा की बात करें हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले बामर श्रेणी के प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए, तो प्रथम रेखा के लिए हो जाएगा n बराबर 3 लिखेंगे 1/λ बराबर आर ब्रैकेट में 1/4 - 1/9 आ जाएगा। यह आ जाएगा आर और इंटू 5/36। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 36/5 आर। जब यहाँ आर का मान रख लिया जाता है रेडबर्ग नियतांक का तो ये उपयोग है 36/5 इंटू 1.097 इंटू 10^7। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है
6.563 इंटू 10^-7 मीटर, या यही बन जाता है आपका 65/63 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार हम रिडबर्ग नियतांक के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न श्रेणियों में पाए जाने वाले विभिन्न रेखाओं की तरंगदैर्ध्य की गणना कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और इस वीडियो में समझते हैं सवाल लगाने के लिए। जैसे सवाल लगाने के लिए यह है कि हाइड्रोजन परमाणु मान लीजिए मोल अवस्था में है n=1, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जब ये प्रथम उत्तेजित अवस्था में आता है n=2 में, तो इसकी ऊर्जा हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जब n=3 में आता है दूसरे उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग n=4 में जब आता है तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, और डॉट डॉट करके n=∞ में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाती है। अब हाइड्रोजन परमाणु ये H परमाणु का ऊर्जा स्तर आवेग है। अब हाइड्रोजन परमाणु में जैसे सवाल आ जाए, हाइड्रोजन परमाणु में हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के किसी ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है n=13.6/n² होती इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसमें सवाल पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु n=4 से 3 में आता है तो उत्सर्जित ऊर्जा की गणना कीजिए, या हम लोगों ने एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देखा था कि जो लैम्डा बराबर होता है वह 12375/ΔE इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और सीधे आंसर हमारा एंगस्ट्रॉम में आ जाता है। तो अब अगर मान लीजिए आए कि 4 से 3 में आया है, तो 4 से 3 में जब आएगा तो जो ΔE निकालते हैं वो ΔE बराबर हो जाता है -1.5। ये 4 से 3 में आने पर तो उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, तो -0.85 यहाँ करेंगे प्लस हो जाएगा 1.51। तो इसका अंतर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ से 5 में 1 गया 4 आया, सॉरी ये ज़्यादा है, 11 में 5 गया 6 आया, 14 में 6 आ गया, यहाँ पर 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो अगर हम इस संक्रमण के दौरान 4 से 3 में अगर हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12375/0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे चौथे से तीसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा की गणना हो जाएगी। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 12375 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे ये आ जाता 187 एंगस्ट्रॉम के करीब, 187 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संक्रमण के दौरान सवालों में ऊर्जा निकालते हैं, ये तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 से 4 से सीधे 1 में आ रहा है, संक्रमण 4 से 1 में हो रहा है, तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को यहाँ पर अंतर को यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर, और लैम्डा का मान निकल आएगा 12375 में भाग देंगे। तो इस तरह से जो एच परमाणु के उत्सर्जन संक्रमण या अवशोषण संक्रमण में जो तरंग दैर्ध्य की गणना करनी होती है, तो इस तरह से सवाल लगा लेते हैं हम लोग। तो ये याद रखना हम लोग।